कौशाम्बी पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट में 14 वर्ष पूर्व विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मामले में जगलाल और जगदा निवासी फतेहपुर घाट की तहरीर पर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2009 को मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त राजू मिश्रा पुत्र गिरजा शंकर निवासी फतेहपुर घाट थाना पूरा मुफ्ती को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। विवाहिता की हत्या का मुकदमा न्यायाधीश न्यायालय स्पेशल जज SC/ST द्वारा जनसुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से पुलिस ने मुकदमे की पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने की पहल की। गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अधिवक्ताओं की जिरह बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजू मिश्रा को विवाहिता की हत्या का दोषी पाया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त राजू मिश्रा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रूपए का अर्थदंड दोषी पर लगाया है। कौशाम्बी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। पुलिस ने एक आरोपी को 20 साल की सजा दिलवाई और 40,000 का अर्थदंड, क्या है पूरा करना? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला था जिसमें वर्ष 2016 में करारी थाने पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। इसमें जो बहुत प्रभावी पैरवी की गई माननीय न्यायालय में और जो भी साक्षी थे उनकी गवाही समय से पूरी कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ने जो आरोपी है उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, 40,000 का जुर्माना भी दिया है। जो भी महिला उत्पीड़न से संबंधित मुकदमे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर शासन के निर्देश पर लेकर के हम लोग कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इसमें विवेचना के दौरान ऐसा भी आरोप लोगों ने लगाया था कि पहले युवती को क्या नाम से एसिड अटैक की धमकी दी गई थी, उस पर दुष्कर्म किया गया, उसको वीडियो भी बनाया गया, इसके बाद उसके साथ ऐसा। जी हाँ, यही था। और जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई थी वो बहुत ही सलीके से की गई थी और जो इसमें पैरवी की गई उसमें जिस टीम ने भाग लिया है उसको इसीलिए हम लोग पुरस्कृत करेंगे।